नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा, सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार दावा करती है कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन बिहार से आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो इस बात को साबित करता है कि बिहार में कानून का राज तो नहीं लगता, वहां पर गुंडों का राज है, मवालियों का राज है, बलात्कारियों का राज है। और यह सब कुछ हो रहा है बिहार के सुशासन सरकार में। मामला है वैशाली जिले का। वैशाली जिले में एक थाना है तिसियौता, उसमें एक गांव है शाहपुर। उस गांव में एक घटना होती है 20 दिसंबर की शाम को। 20 दिसंबर की शाम को एक 20 वर्षीय दलित युवती जब शाम को शौच के लिए निकलती है तो गांव के ही 4 तथाकथित ऊंची जात के गुंडे उस लड़की के पास आते हैं और उसका अपहरण करने की कोशिश करते हैं। जब वो लड़की शोर मचाती है और लड़की के परिजन वहां पर जुटते हैं तो वो गुंडे पिस्टल निकाल लेते हैं। वो पिस्टल निकाल कर उस लड़की के परिजनों को जाति सूचक गालियां देते हैं, गोली मारने की धमकी देते हैं और लड़की को अपहरित करके उठा ले जाते हैं। इसके बाद लड़की की माँ गांव वालों के साथ उन गुंडों के परिजनों के पास जाती है। जब वो परिजनों के पास जाती है तो कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी का क्या कसूर है। तो उन लोगों ने पता है क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि 2 दिन बाद हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे, तब तक तुम चुप रहो। जब माँ ने और विनती की कि नहीं छोड़ दीजिए तो उन लोगों ने उसकी माँ को गालियाँ दी, डांटा, फटकारा और गोली मारने की धमकी देकर भगा दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, ऐसे ऐसे 6 दिन बीत गए। और 7वें दिन दोपहर को जब गांव की कुछ महिलाएं नहर किनारे बकरियां चराने गई हुई थी तो वहां उन्होंने देखा कि नहर में एक लाश तैर रही है। जब महिला ने लाश को देखा तो उसने शोर मचाया। आसपास के लोग आए तो पहचान हुई कि यह वही युवती है जिसको कुछ दिन पहले गांव के ही ऊंची जाति के दबंगों ने अपहरित कर लिया था। उसके बाद पुलिस आई, गांव वालों की मदद से लाश को निकाला गया और शिनाख्त हुई। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप उस एप्लीकेशन को पढ़िए जो एप्लीकेशन उस पीड़िता की मां ने पुलिस को दी है। उसमें उन्होंने कहा है 20 दिसंबर की शाम को गांव के ही अंशु ठाकुर, मनोज चौधरी, अनुराग और राकेश और उसके साथ 4-5 अन्य ने उसके मां के सामने ही अगवा कर लिया। जब मां ने शोर किया तो गोली मारने की धमकी दी, जाति सूचक गाली दी। और जब मां थक गई, हार गई निवेदन से, विनती से, तो क्या हुआ? तो हुआ ये कि उसकी बेटी को मार दिया गया, उसकी लाश नहर में पाई गई। हमने वैशाली जिले के एसपी से बातचीत की है, आप ये बातचीत सुनिए। सर, आपका एक थाना क्षेत्र है तिसियौता? हाँ है जी सर। वहाँ मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर लगा नहीं, इसलिए आपको कॉल किया है। और अपडेट ये था सर कि आपके थाना क्षेत्र में एक मामला है एक 20 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर का। वो माइनर नहीं है तो। जी देखिए, जो आप बोल रहे हैं, जो भी दूसरी बात, रेप है या नहीं है, मर्डर के बारे में तो मैं अभी थोड़ा आपको बोल सकता हूँ कि हाँ, डेड बॉडी मिली है। और जो रेप की बात है, हमने मेडिकल खत्म कराया हुआ है। एक बार मेरे पास मेडिकल की रिपोर्ट आ जाए पोस्टमार्टम की तो मैं आपको बोल पाऊंगा हुआ था। अच्छा अच्छा सर, अरे मैं परिजनों के हवाले से बात कर रहा था, इसलिए बात कर रहा था। केस में यही लिखा है उनकी माता जी ने, मैं जानता हूँ जी। तो सर क्या अपडेट है, गिरफ्तारी किसकी हुई है, कितने लोगों के खिलाफ चल रही है? और जो दूसरी बात है, यार देखेंगे, माता जी कहना कि 20 तारीख से दो बच्चों के लोगों के साथ में थी, दी थे। नामजद कुछ FIR हुआ है सर? नामजद FIR हुआ है 4 लोगों पे। किन किन लोगों का सर? नाम मुझे तुरंत याद नहीं है पर 4 लोगों पर। 4 लोगों पर नामजद, क्या धाराएं लगी? बिल्कुल, और कुछ अज्ञात पर है क्या? अच्छा, कुछ अज्ञात, क्या धाराएं लगी है सर? धाराएं 302 लगी हुई है। 302 अभी मतलब रेप का कंफर्म नहीं हुआ इसलिए धारा नहीं लगी है। गिरफ्तारी सर, गिरफ्तारी सर जी, और वो भी चल रहा है, टीम बन गई है। गिरफ्तारी हुई है किसी एक की भी? अभी तक नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। मतलब अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, 4 लोगों पे FIR है,
302 का लगा है धारा, रेप की पुष्टि अभी नहीं है। और जो भी रिगार्डिंग सेक्शंस आप अच्छा होगा इसमें ठाकरे, क्योंकि एफआईआर वहाँ वो ड्राफ्ट करता है, मेरे को इतना ही बता रहा हूँ आपको। तो सर लड़की 7 दिन से मिसिंग थी, तो इसके पहले रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी? रिपोर्ट नहीं आया, उन्होंने पुलिस का पूछ भी नहीं किया था। अच्छा, पुलिस की जानकारी में मामला नहीं था। माता जी बच्ची की, इस लड़की की, औरत की, पुलिस से पूछ नहीं किया। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपने वैशाली जिले के एसपी की बातचीत सुनी होगी। एसपी साफ कह रहे हैं कि इस मामले में मर्डर का केस दर्ज हुआ है, 302 की धारा लगाई गई है, 4 लोग नामजद हैं और कुछ अन्य के खिलाफ धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी रेप का केस नहीं लगाया गया है। जबकि परिजनों का आरोप है कि 7 दिन तक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उनको मारा गया। फिर हमने एसपी साहब से पूछा कि क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, तो एसपी साहब ने कहा नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जरा आप सोचिए, इतने जघन्य अपराध के बाद भी पुलिस मामले के संज्ञान में आने के 30 घंटे बाद तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करती है। बहुत सारी खबरों और कुछ सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि जो वहां के आरोपी लोग हैं उनकी जाति के लोगों का थाने में और वहां के प्रशासन पर दबदबा है। चूंकि पीड़िता एससी समाज से आती है, इसलिए उसके साथ थाने पे भी भेदभाव हो रहा है और मामले में टाल मटोल करने की कोशिश हो रही है। आप खुद सोचिए कि एसपी साहब खुद कह रहे हैं कि अभी किसी की गिरफ्तारी हुई ही नहीं है, इतने संगीन अपराध के बाद, और बिहार की सरकार सो रही है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आप इस पूरे इंसिडेंट को देखिए और कल्पना कीजिए कि कैसे कुछ लोगों की हिम्मत हो जाती है कि वो एक लड़की को उठा ले जाते हैं उसके परिजनों के सामने। जब परिजन उसके घर जाते हैं तो कहते हैं 2 दिन बाद छोड़ देंगे। उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इस बात का भय नहीं है कि अगर ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के अंदर इतना जघन्य अपराध करने और इतने दिन तक उसे छुपाने की हिम्मत तभी आ सकती है जब उसको ये भरोसा हो कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाएगी और पुलिस उसका ही साथ देगी, जब उसे भरोसा हो कि पुलिस पीड़िता का नहीं आरोपी का सुनेगी, गुंडे की सुनेगी। इतने भरोसे के साथ आप ये कल्पना कीजिए और आप सोचिए कि क्या अगर यही घटना आपके परिवार के साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ होती, तब भी आप चुप रहते? तब भी आप सवाल नहीं पूछते? और साथ में आप ये भी सोचिए कि उस परिवार पर कितना दबाव रहा होगा कि वो परिवार पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाया, शिकायत तक नहीं दर्ज कर पाया जब तक बेटी की लाश नहीं मिल गई। आप सोचिए, पुलिस ने जरूर कोई ना कोई व्यवस्था में खोट किया होगा, तभी एक पीड़ित थाने तक जाने में भी हिचकिचा रहा है, उसको डर लग रहा है थाने तक जाने में और शिकायत दर्ज कराने में। आप वहां आतंक का आलम सोच सकते हैं। पुलिस व्यवस्था सही तभी मानी जाएगी जब कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी थाने पे बेझिझक जाए, उसके साथ जो परेशानी हो रही है उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाए। लेकिन सोचिए, किसी की बेटी गिरफ्तार हो जा रही है फिर भी वो थाने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि पुलिस आम जनता के साथ वो भरोसा नहीं जीत पाई है कि कोई कमजोर व्यक्ति उसके पास आए और एफआईआर दर्ज करवा पाए। और इस तरह के संगीन मामलों में भी सवाल तो है और सवाल उठेगा और सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार हों या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नरेंद्र मोदी हों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।